Assalamu alaikum students, how are you? I hope that you will be fine. BA English third year. आज हमारी जो है वो बुक शुरू हो रही है जी शॉर्ट स्टोरीज एंड वन एक्ट प्लेस. और इसमें जो वेरी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है वो है द किलर्स दैट इज़ रिटन बाई अर्नेस्ट हेमिंगवे एन अमेरिकन नावलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. तो हम इसको पहले डिस्कस करेंगे लेक्चर वन में, और लेक्चर टू जो है उसमें हम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो यूनिवर्सिटी अमूमन पूछती हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और उनको अटेम्प्ट करने का तरीका जो है वो भी बताया जाएगा. तो सबसे पहले मैं आपको इस शॉर्ट स्टोरी के जो करेक्टर्स हैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, और उसके बाद जो है वो इसके जो पॉइंट्स हैं कि कैसे ये स्टोरी जो है ना स्टेप बाई स्टेप जो है वो बिल्ड होती है, ठीक है, और साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा. तो शुरू करते हैं जी. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं जी कैरेक्टर्स का. अच्छा स्टूडेंट, इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि अर्नेस्ट हेमिंगवे की ये खूबी है कि वो स्टोरी के अंदर जो है या नॉवल के अंदर इतने ज़्यादा जो कैरेक्टर्स हैं वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाता, यानी ज़्यादा कैरेक्टर जो है उनका इस्तेमाल नहीं करता, यानी कम कैरेक्टर होते हैं इसके नॉवल्स के अंदर और इसकी शॉर्ट स्टोरीज के अंदर. और इसकी एक और ये खूबी है कि ये फीमेल जो करेक्टर्स होते हैं उनका बहुत कम इस्तेमाल करता है या बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है. और एक और जो खूबी है वो ये है कि इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या नावल जितने भी आप पढ़ लें, मतलब जो हमारे सिलेबस में भी है जो जिसका नाम है जो द ओल्ड मैन एंड द सी और सन आल्सो राइजेस, ये बाकी जितने इसके नावल्स हैं या स्टोरीज़ हैं वो पढ़ लें, तो उसमें ये सिंपल सेंटेंसेस जो है, छोटे छोटे जो सेंटेंसेज हैं वो इस्तेमाल करता है. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इसमें करेक्टर्स जो हैं वो कितने हैं. जो स्टोरी हम करने जा रहे हैं, वेरी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है किलर्स, द किलर्स बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे. अच्छा स्टूडेंट, इसमें ये मैं हेडिंग बना देता हूँ करेक्टर्स, ठीक है. अच्छा इसमें आपको सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ जी एल एंड मैक्स, एल एंड मैक्स. अच्छा अब ये जो एल और मैक्स हैं ये कौन है, ये आप यूं समझ लें दीज आर टू प्रोफेशनल किलर्स, किलर्स कह लें, कट थ्रोट्स कह लें, ठीक है. ये क्या है जी कि ये एल और मैक्स जो हैं ये दो प्रोफेशनल किलर्स हैं इस स्टोरी के अंदर, ठीक है. और एक आदमी जिसका नाम है ओल एंडरसन उसको ये कत्ल करना चाहते हैं, ओके. अच्छा उसके बाद जो है वो है जी, अब ये कत्ल किसको करना चाह रहे हैं, ओल एंडरसन, ठीक है, ओल एंडरसन. अब ओल एंडरसन जो है वो कौन है, ही इज अ रिटायर्ड बॉक्सर, ठीक है, ये एक रिटायर्ड बॉक्सर है. अब ये जो एल और मैक्स हैं ये दो प्रोफेशनल कातिल हैं, किलर्स हैं, और एक आदमी है स्टोरी के अंदर जिसका नाम है ओल एंडरसन. एल एंड मैक्स वांट टू किल अ पर्सन ओल एंडरसन हु इज अ हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन एंड ही इज पासिंग नाउ अ रिटायर्ड लाइफ, ओके जी. अच्छा इसके बाद जो है वो हम बात करते हैं जी जॉर्ज की. जॉर्ज हु इज जॉर्ज, जॉर्ज कौन है, आप यूं कह लें कि वो जो है जो रेस्टोरेंट है उसमें ये वेटर है, आ वेटर इन द हेनरी हेनरी हेनरीज लंच काउंटर, ठीक है. ये उसमें क्या है जी कि ये वेटर है. अच्छा अब इसके साथ है एक और आदमी है जिसका नाम है निक एडम्स, निक एडम्स,
स्टूडेंट, ये जो निक एडम्स है, ये आप कह लें कि ही इज़ वर्किंग एज अ काउंटर मैन इन डैट रेस्टोरेंट, इन डैट लंच काउंटर, इन डैट होटल. ठीक है, निक एडम जो है आ काउंटर मैन, काउंटर मैन. ये क्या है जी कि ये काउंटर मैन है. अगर जॉर्ज जो है वो वेटर है, तो निक एडम्स क्या है, वो एक काउंटर मैन है. ठीक है, ये उसी जो हैनरीज लंच काउंटर है, ये उसी उसी में क्रू है, यानी ये वहाँ पे काम करते हैं. अच्छा, इसके साथ है जी एक और करेक्टर है सैम. हु इज सैम, ये आप कह लेंगे आ कुक एट डैट रेस्टोरेंट. ये उस रेस्टोरेंट के अंदर जो है ये एक कुक है. ठीक है, अच्छा, ये करेक्टर जो हैं ये तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं. एल और मैक्स टू प्रोफेशनल किलर्स, ओल एंडरसन ही इज़ अ रिटायर्ड बॉक्सर, एंड जॉर्ज अ वेटर, निक एडम्स अ काउंटरमैन, एंड सैम अ कुक एट डैट रेस्टोरेंट. ओके जी, अच्छा, अब ये स्टोरी जो है इसका टाइम क्या है जी, टाइम ऑफ हैपनिंग क्या है. टाइम इसमें जो जिक्र किया गया है एट 5 o'clock इन द इवनिंग. ओके, एट 5 o'clock इन द इवनिंग. और ये प्लेस, प्लेस क्या है जी, प्लेस भी मैं आपको बता देता हूँ. प्लेस है जी हेनरी, हेनरीज लंच रूम. ये एक रेस्टोरेंट का नाम है, हेनरीज लंच रूम एट अ स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज नेम्ड, जिसका नाम है समिट, समिट इन अमेरिका. ओके, अच्छा, ये सारी मैंने आपको उसकी टाइम जो टाइम है और स्पेस है वो भी बता दिया है, मैंने करेक्टर्स भी बता दिए हैं. ठीक है, तो अब फिर इसका आगे फिर आपको जो स्टोरी है वो समझने में जो है वो आसानी रह जाएगी. ठीक है, अभी हमने सिर्फ करेक्टर का जो है, अभी मैं समरी की तरफ नहीं गया, अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है करेक्टर्स को कि हु आर द करेक्टर्स इन डैट, इन डैट, इन दिस स्टोरी. इस स्टोरी के अंदर जो है वो करेक्टर्स कौन के हैं, कौन से हैं. ओके, अच्छा, इसके बाद मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो स्टोरी कैसे जो है वो बिल्ड होती है, मैं उसको उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ. ओके स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन के बाद, करेक्टर्स के इंट्रोडक्शन के बाद हम इस स्टोरी को बिल्ड करते हैं कि स्टोरी, ये मैं आपको बताऊंगा कि स्टोरी व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी, स्टोरी में हुआ क्या है. ठीक है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है वो बिल्ड करने लगा हूँ. आप भी मेरे साथ साथ, अगर आपके पास नोटबुक है और बाल पेन है, तो इसको जो पॉइंट्स हैं वो साथ साथ लिखते जाएगा, मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ. अच्छा स्टूडेंट, इसमें पॉइंट नंबर वन क्या है जी, के एल एंड मैक्स टू प्रोफेशनल किलर्स, ठीक है, एंटर, एंटर हेनरीज लंच रूम. अच्छा, वो हेनरीज का जो लंच रूम है, एल और मैक्स जी, ये जो प्रोफेशनल किलर हैं, दे एंटर हेनरीज लंच काउंटर, लंच रूम रेस्टोरेंट, वहाँ पे दाखिल होते हैं. और ये क्यों वहाँ पे आए हैं, दे वांट टू किल अ पर्सन, ओल एंडरसन. ये तकरीबन शाम जो है ये 5 बजे का करीब का वाक्य है. ठीक है, अच्छा, वहाँ पे वो आते हैं, और क्यों आते हैं, कि वो ओल एंडरसन को कत्ल करना चाहते हैं. ओके, उसके बाद फिर क्या है, दे प्लेस देयर ऑर्डर टू जॉर्ज. जॉर्ज कौन है, जो काउंटर मैन है, सॉरी जो वेटर है. दे प्लेस देयर ऑर्डर टू जॉर्ज इन अ वेरी वल्गर मैनर, वल्गर, VULGAR, वल्गर मैनर.
अच्छा, पहले उसके साथ मसलन बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं, और फिर एक लंबी डिस्कशन के बाद जो है वो अपना जो ऑर्डर है वो प्लेस करते हैं। और ऑर्डर क्या है जी, कि दे वांट टू ईट हैम एंड एग, ठीक है, वो हैम खाना चाहते हैं, एग खाना चाहते हैं। तो बड़ी बेमायनी सी और बड़ी फजूल सी गुफ्तगू करने के बाद वो अपना जो ऑर्डर है वो वहाँ पे रखते हैं, प्लेस करते हैं। अच्छा, फिर क्या है जी, के वो वहाँ पे क्यों गए हैं? दे आर वेटिंग फॉर एंडरसन, वो वहाँ पे एंडरसन का इंतज़ार कर रहे हैं। एंडरसन, ओल एंडरसन जो हैवी वेट बॉक्सिंग चैम्पियन है, उसका वो वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और वो क्यों इंतज़ार कर रहे हैं? क्यों इंतज़ार कर रहे हैं जी? बिकॉज दे वॉन्ट टू टू किल हिम, वो उसको मारना चाह रहे हैं, वो उसको कत्ल करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उनको पता चला है कि जो एंडरसन है यूजली कम्स एट दैट रेस्टोरेंट टू टेक लंच और डिनर, तो वो वहाँ पे आता है, तो वो उसकी रैकी कर रहे हैं, रैकी रैकी करके उनको पता चला है, उन्होंने सोर्सेज से अपने जो है ना वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली है कि वहाँ पे वो आता है, लिहाजा ये बेहतरीन जगह है कि वहाँ पे जाके उसको कत्ल कर दिया जाए, ठीक है। अच्छा, दे आर वेटिंग फॉर एंडरसन बिकॉज दे वॉन्ट टू किल हिम, वो उसको वहाँ पे कत्ल करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं जी, कि दे मेक हॉस्टेज, दे मेक हॉस्टेज, वो यरगमाल बना लेते हैं, यरगमाल कर लेते हैं किसको? क्रू ऑफ द रेस्टोरेंट, वो उस होटल का जो क्रू है उसको जो है वो यरगमाल कर लेते हैं। और उसमें वो क्या करते हैं, क्रू ऑफ द रेस्टोरेंट एट गन पॉइंट, यानी गन पॉइंट पे वो जो क्रू ऑफ द रेस्टोरेंट है उसको यरगमाल कर लेते हैं। अच्छा, फिर क्या है जी, के दे टाई, वो बांध देते हैं, किसको बांधते हैं? दे टाई निक, निक एंड सैम, जो कुक है, निक एडम को और सैम को वो बांध देते हैं बैक टू बैक, बैक टू बैक, यानी उनको बैक से बैक मिला के उनको बांध देते हैं, थ्रस्टिंग टॉवल्स इन, थ्रस्टिंग टॉवल्स इन देर माउथ्स, यानी उनके मुंह के अंदर जो है वो टॉवल जो है वो थ्रस्ट कर देते हैं, यानी ठोंस देते हैं। और ये सारा कहाँ पे हो रहा है? इन द किचन, जो उस रेस्टोरेंट का किचन है वहां पे ये हो रहा है। अच्छा, अब जब वो ये जार्ज पूछता है कि व्हाई आर यू डूइंग ऑल दिस, व्हाई आर यू डूइंग सो ऑल दिस, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, जब वो ये बताते हैं ना, तो उस वक्त जो है वो हॉरर की इंतहा हो जाती है कि हम ये क्यों कर रहे हैं। वो बताते हैं कि वी वांट टू किल एंडरसन, वी वांट टू किल ओल एंडरसन। अच्छा, ये तो बात होगी कि दे वांट टू किल ओल एंडरसन, बट व्हेन दे टेल द रीजन ऑफ द किलिंग, जब वो रीजन बताते हैं तो उस वक्त तो हॉरर की इंतहा हो जाती है, ठीक है। अब वो वहां पे बता रहे हैं जी, दे वांट टू किल एंडरसन, क्यों? रीजन स्टूडेंट, जरा रीजन पे जरा फोकस कीजिएगा, जस्ट जस्ट टू ओब्लाइज देयर फ्रेंड, ओब्लाइज, ओब्लाइज का मतलब होता है जैसे मैं कहूंगी यार ये मैंने तुम्हारे ऊपर ये लो, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूँ, ये चीज चलें, ये मैं आपको ओब्लाइज कर देता हूँ, या मैं आपको फ्री में दे देता हूँ, ठीक है ना। उनको किसी ने कहा नहीं है, उनके दोस्त ने भी नहीं कहा है कि आप जो है एंडरसन को किल करें, मारें। असल में बेसिकली हुआ क्या है, हुआ ये है कि वो जो कातिल, जो किलर्स का जो फ्रेंड है वो भी बॉक्सर चैंपियन है, ठीक है, और जो ओल एंडरसन है वो भी बॉक्सर
चैंपियन है। अच्छा ये हुआ क्या है, अब ये है कि रिंग के अंदर फाइट के दौरान जो ओल एंडरसन ने ही हैज़ डिफीटेड द फ्रेंड्स ऑफ द किलर, ठीक है ना, उसने ओल एंडरसन ने किलर्स का जो दोस्त है उसको डिफीट कर दिया है। और वो जो डिफीट का एक इफेक्ट होता है कि वो बंदा जो है ना वो थोड़ा सा सैड हो जाता है, गमगीन हो जाता है। तो ये अब अपने दोस्त को सरप्राइज देना चाह रहे हैं। आप देखें जरा रीज़न, देखें रीज़न बिहाइंड द मर्डर, देखें दे वांट टू ओब्लाइज देयर फ्रेंड, दे वांट टू मेक देयर फ्रेंड हैप्पी, वो अपने दोस्त को खुश करना चाहते हैं, वो उसको सरप्राइज देना चाह रहे हैं कि ये लो जी जिसने तुम्हें हराया है हमने उसको कत्ल कर दिया है और देयर फ्रेंड वुड बी हैप्पी, वो खुश हो जाएगा। यानी देखें अमेरिका के अंदर द अमेरिकन हु कॉल्ड देमसेल्व्स द मोस्ट सिविलाइज नेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो अपने आप को दुनिया की बहुत ही महज़ब और सिविलाइज कौम कहते हैं, हेमिंग्वे कहते हैं कि दिस इज़ नॉट द रियल सिचुएशन, असल में ऐसा नहीं है। रियल सिचुएशन क्या है, इन अमेरिका मैन इज़ being killed without any solid reason, कि अमेरिका के अंदर जो है एक आदमी को कत्ल किया जा रहा है बगैर किसी एक सॉलिड रीज़न के, क्योंकि कत्ल करना कोई ऐसे कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी हिस्ट्री होती है, बड़ी एक सॉलिड रीज़न होती है, तब जाके ये वाकया हैपन होता है। तो अगर दोस्तों को खुश करने के लिए कत्ल शुरू हो जाए तो फिर तो मेरा ख्याल दुनिया जो है ना वो एक दिन भी कायम जो है वो नहीं रह सकती, आए दिन फिर कत्ल ही होते रहे। अच्छा दे वांट टू किल, अब जॉर्ज पूछता है व्हाई यू वांट टू किल, जो उसका जो वेटर है उस रेस्टोरेंट का वो कहता है व्हाई यू वांट टू किल ओल एंडरसन, आप ओल एंडरसन को, क्योंकि वो उनका कस्टमर है और रेगुलर कस्टमर है। वो कहता है कि व्हाई यू वांट टू किल ओल एंडरसन, आप एंडरसन को क्यों कत्ल करना चाह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जस्ट टू ओब्लाइज देयर फ्रेंड, कि हमने अपने दोस्त को खुश करना है, उसके ऊपर फेवर करना है, उसके ऊपर एहसान करना है। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जब ये बात सारा वो क्रू सुनता है, निक एडम सुनता है, सैम सुनता है, जॉर्ज सुनता है, ठीक है ना, तो एक ऐसा एक हॉरर क्रिएट होता है कि वो कहते हैं कि ये क्या, हाउ कैन इट हैपन, कि ये कैसे हो सकता है कि एक आदमी को इसलिए कत्ल किया जा रहा है। यानी वो मुकम्मल जो है वो टेरिफाइड हो जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। अच्छा फिर क्या जी, अब उन्होंने सबको यरगमाल किया हुआ है, हॉस्टेज किया हुआ है, ठीक है ना, उनके मुंह के अंदर जो टावल हैं वो थ्रस्ट किए हुए हैं, गैग किया हुआ उनको, एंड दे आर वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग फॉर ओल एंडरसन, कि वो ओल एंडरसन का इंतज़ार कर रहे हैं। एज द ओल एंडरसन, एज ओल एंडरसन कम्स इन द रेस्टोरेंट, दे वुड शूट हिम, वो उसको मार देंगे, और जो ही वो आएगा वो उसको कत्ल कर देंगे। तो सारे जो हैं वो बड़े ही खौफजदा हैं, और वो पता नहीं मेरा ख्याल दिल में इनर कन्फ्लिक्ट अगर हेमिंग्वे ने जिक्र किया होता तो वो मेरा ख्याल यही सोच रहे होते, ये उस वक्त यही सोच रहे होते कि काश कहीं ऐसा ना हो कि वो आ जाए, अल्लाह ना करे कि वो आ जाए, क्योंकि वो जो किलर्स हैं दे आर फुली रेडी, उन्होंने अपनी जो गन के पॉइंट्स हैं दे आर टूवर्ड्स द डोर, वो दरवाजे की तरफ किए हुए हैं, कि जूं ही एंडरसन जो है वो अंदर आएगा वो उसको कत्ल कर देंगे, और ये एक हॉरर की इंतहा है। अच्छा अब ये दे आर वेटिंग वेटिंग वेटिंग, फिर क्या हुआ जी, ओल एंडरसन जो है ना वो नहीं, उसकी लकीली ही वॉज ए हैप्पी पर्सन, ही डिड नॉट कम एट डेट डे, वो उस दिन वहाँ पे आया नहीं। अच्छा आफ्टर, फिर क्या हुआ जी, आफ्टर देयर लॉन्ग वेट, अपने लंबे इंतजार के बाद दे लेफ्ट द प्लेस, वो वहाँ से चले गए, दे लेफ्ट हैंड इज लंच काउंटर, दे लेफ्ट द रेस्टोरेंट, क्योंकि उन्हें लग गया कि अब जो है मेरा ख्याल है शायद वो समझ रहे हों कि शायद किसी ने एंडरसन को इन्फॉर्म कर दिया है तो अब वो नहीं आएगा, ठीक है। आफ्टर देयर वेट, आफ्टर देयर लॉन्ग वेट, बड़ा इंतज़ार किया उन्होंने, दे लेफ्ट द प्लेस, वो वहाँ पे चले गए, ठीक है ना, लेकिन अपने पीछे एक चीज़ छोड़ गए, बट क्या चीज़ छोड़ गए, लेफ्ट बिहाइंड देम अ लूमिंग शेडो ऑफ डेथ, अपने पीछे मौत का जो लहराता हुआ एक साया है, वो कैरेक्टर जो है वो फुली टेरिफाइड हो चुके हैं, यहाँ तक कि जो सैम है वो कहता है कि मैंने अब यहाँ पे जॉब ही नहीं करनी है,
ठीक है। और निक एडम भी जो है वो एंड पे यही कहता है कि बेहतर है कि हम ये कस्बा ही छोड़ दें, किसी और जगह पे जाके अपना बिजनेस जो है वो शुरू करें। तो ये इतना एक मतलब एक्चुअली एक मर्डर नहीं हुआ, बट साइकोलॉजिकली एवरीबॉडी इज मर्डर्ड, ये नफसियाती तौर पर जो है वो कत्ल हो गया है। और हेमिंग्वे के जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो उसमें एक्शन इतना खास नहीं होता, लेकिन एक नफसियाती जो एक दबाव है वो बहुत ज़रा होता है, एक जो हॉरर है वो बहुत ज़रा वो क्रिएट कर देता है। एक्चुअली स्टोरी के अंदर कोई मर्डर नहीं हुआ, लेकिन वो हॉरर और टेरर इतना फैला देते हैं कि वो जो क्रू है वो जगह छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, आफ्टर देयर लॉन्ग वेट दे लेफ्ट द प्लेस, बट लेफ्ट बिहाइंड देम अ लूमिंग शेडो ऑफ डेथ। लूमिंग शेडो ऑफ डेथ का क्या मतलब होता है? मौत का लहराता हुआ साया। अच्छा, ऊपर से मैं कुछ रेज कर देता हूँ, अभी इसके कुछ थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं। हाँ जी, इसके बाद क्या है स्टूडेंट, ये नंबर 6 वाला मैं रेज कर देता हूँ, एंड वाला लिखा रहने देता हूँ, क्योंकि ज़रा उसी नस्बत से उसी तरतीब से हम आगे चलते जाएंगे। अच्छा जी, अच्छा अब फिर क्या है जी, अब क्या है, उस उनके जाने के बाद जो जॉर्ज है दैट रश टू द किचन, वो किचन में जाता है एंड अनटाई सैम एंड निक एडम्स, उनको खोलता है। अच्छा, वो मुकम्मल तौर पर डरे हुए हैं। अच्छा, फिर क्या है जी कि निक एडम ही डिसाइड्स टू गो टू एंडरसन, कि वो एंडरसन के पास जाए एंड इन्फॉर्म अबाउट द सिचुएशन, कि व्हाट इज़ रियल सिचुएशन, कि वो उसको इन्फॉर्म करे। तो ये जो निक एडम है, निक गोज टू एंडरसन, एंडरसन्स रूम, वो उसके रूम में यानी जिस जगह पे वो रहता है, वो थोड़ा सा दूर ही रहता है। निक गोज टू एंडरसन रूम टू इन्फॉर्म हिम, वो उसको इन्फॉर्म करने के लिए अबाउट द रियल सिचुएशन, कि कैसे जो दो कातिल थे एल और मैक्स वो आए और कैसे वो आपको आपका वेट करते रहे, वो आपको कत्ल करना चाहते हैं। वो उसको यानी उसकी भलाई के लिए, उसको इन्फॉर्म करने के लिए वो जाता है। अच्छा, फिर क्या है जी, ऑल एंडरसन, एंडरसन डज नॉट बदर अबाउट द सिचुएशन, वो इस सिचुएशन से घबराता नहीं। निक एडम बताता है कि देखें दो कातिल हैं, वो आपका वेट करते रहे हैं, वो आपको कत्ल करना चाह रहे हैं। तो निक एडम जो ओल एंडरसन है वो कोई परेशान नहीं होता है, यानी ऐसे लगता है कि जैसे ही हैज़ बिन स्केपिंग, ही हैज़ बिन रशिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रॉम द किलर्स, और नाउ ही इज़ ओवर टायर्ड, अब वो थक गया है, अब वो फेड अप हो चुका है। तो उसने क्या किया है, उसने अपने आप को ही हैज़ रिजाइन टू द फेट, उसने अपने आप को किस्मत पे छोड़ दिया है कि लेट्स सी व्हाट हैपन। सही है, तो यही रीज़न है कि जब निक कहते हैं वी शुड इन्फॉर्म द पुलिस, कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो एंडरसन सेज says that it is of no use, कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि एंडरसन हैज़ ऑलरेडी इन्फॉर्म द पुलिस रिपीटेडली, बार बार उसने इन्फॉर्म किया हो, ठीक है, लेकिन पुलिस जो है वो जो है वो भी अनएबल टू अरेस्ट द कल्प्रिट्स, अरेस्ट द क्रिमिनल्स, वो कहता है इट इज़ ऑफ नो यूज़। लिहाजा जो निक एडम है वो वहाँ से वापस आ जाता है, और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होती है निक एडम के और जॉर्ज के दरमियान, ठीक है। उसमें ये निक एडम जो है वो ये बताता है कि मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ, जॉर्ज उसको समझाने की कोशिश करता है, बहरहाल यहाँ पे स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि जिस तरह मैंने आपको करेक्टर्स का इंट्रोडक्शन दिया है और जिस तरह मैंने स्टेप बाई स्टेप जो है स्टोरी को बिल्ड किया है, और मैं साथ साथ लिखता भी गया हूँ, आप भी साथ साथ लिखते गए होंगे, तो उम्मीद है कि आपको इस स्टोरी की जो फुली तौर पर जो है वो समझ आ गई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।